के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। हिंदी दिवस के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बोले जिले के प्रभारी व समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, कहा हिंदी हमारी मातृ व देव भाषा, सभी करें इसका सम्मान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 50वीं एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 5वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत सामाजिक समरसता एवं संत समाज विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी, वक्ताओं ने कहा सामाजिक समरसता का केंद्र है गोरखपीठ। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, कहा सभी अधिकारी पूरी निष्ठा से करें अपने दायित्वों का निर्वहन, कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। उत्तर रेलवे के राजभाषा विभाग ने मधुमेह एवं हाइपरटेंशन कारण व बचाव विषय पर तकनीकी संगोष्ठी का किया आयोजन, वक्ताओं ने कहा देश की 2/3 जनसंख्या इस बीमारी से है ग्रसित। दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत 50,473 वादों के निस्तारण के साथ जमा कराया गया 1,39,04,048 रुपए। जिले के प्रभारी व समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने किया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निरीक्षण, लिया व्यवस्थाओं का जायजा, कहा मरीजों के इलाज में न बरतने कोताही। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर किया गया 6 जोड़ों की विदाई, जनपद न्यायाधीश ने दिया आशीर्वाद, कहा रहे सुखी, अपना आना पड़े न्यायालय। गोरखपुर जोन की 37वीं अंतर जनपदीय पुलिस महिला एवं पुरुष बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में गोरखपुर की टीम रही अव्वल, किया चल वैजयंती पर कब्जा। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला बने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अस्थायी समिति के सदस्य, मनोनयन के बाद रवि किशन ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व लोकसभा अध्यक्ष ओपी बिरला पद का जताया आभार। हिंदी दिवस पर वक्ताओं ने कहा हिंदी दिवस रह गया है मात्र औपचारिकता, हिंदी के लिए अभी और प्रयास की है जरूरत। राष्ट्रीय सेवा योजना एनसीसी तथा रोवर्स रेंजर्स के सहयोग से सेंट एंड्रयूज कॉलेज में असेंबली हॉल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर आयोजित हुआ साक्षरता जागरूकता व्याख्यान, वक्ताओं ने कहा शिक्षा के स्तर में होना चाहिए और अधिक सुधार। और राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित हुई प्रतियोगिता, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वाद विवाद प्रतियोगिता।